साहब की बात की, तो आप ये किस तरह से ट्रैक करती हैं द लास्ट 75 इयर्स के एजुकेशन के सेक्टर में क्या हुआ और उसके हमारी हमारी सोसाइटी पर और कल्चर पर क्या असर मतलब हुए? बहुत शुक्रिया हारिस साहब का, और मैं ज़रूर अहमद शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हर साल बावजूद पाकिस्तान का कोई भी माहौल हो और चाहे कितने दरपेश हमारे सामने मसले हों, वो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस बाकायदगी से करते हैं, एक चिराग जलाते जाते हैं इस अंधेरे में भी। आज कई लोग कहते हैं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस एक चिराग की तरह है। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा निसाब अभी एक चिराग की तरह नहीं है। समाज और सकाफत और तालीमी निज़ाम का बहुत करीबी ताल्लुक है, बल्कि मैं समझती हूँ तालीमी निज़ाम एक कलीदी किरदार अदा करता है हमारे मुल्क में। तालीम ने आखिरकार क्या करना है? तालीम का जो निज़ाम है, सूबे संभाले हुए हैं इस निज़ाम को, लेकिन मरकज़ की तरफ से अभी तक बहुत सारी हिदायतें हैं, और पिछले डेढ़ दो साल में सबने सुना भी होगा कि तालीमी निज़ाम के बारे में जो एक सिंगल नेशनल करिकुलम है, एक वाहिद कौमी निसाब की बात। मैं असल में एक सवाल से शुरू करूंगी हारिस साहब की इजाज़त से, कि हम क्या चाहते हैं अपने तालीमी निज़ाम से? क्या हम चाहते हैं कि इसमें एक आइडियोलॉजिकल बेस हो पाकिस्तान की शनाख्त के बारे में हमारे बच्चों को बताया जाए? तो अगर पाकिस्तान की शनाख्त के बारे में हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, और यकीनन ये बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन वो कौन सी शनाख्त है? वो कौन सा किरदार है एक पाकिस्तानी होने का? हम बहुत सारी कौमों से मिलकर एक पाकिस्तान बना है, और इस चीज़ को हम रद्द नहीं कर सकते। पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी और उसमें बहुत सारी और भी कौम हैं, तो ज़बान के हिसाब से एक शनाख्त है, एक सकाफत के हिसाब से हम सब की शनाख्त है। समाज भी मुख्तलिफ है, हर सूबे में आप जाएं तो काफ़ी सारी आपको अलहदा अलहदा चीज़ें नज़र आती हैं, मौसीकी, उठने बैठने के तरीके, बात करने के तरीके, ज़बान, और बहुत सारी ज़बानें हैं पाकिस्तान में। तो सवाल ये है कि वो अपने निसाब में अपने बच्चों को कौन सी शनाख्त पाकिस्तान की बताना चाहते हैं? सिंगल नेशनल करिकुलम क्या इस चीज़ को सिर्फ एक डायरेक्टिव के ज़रिए नाफिज़ कर सकता है कि नहीं? क्या पूरा माशरा एक जैसा बन सकता है? सबकी सकाफत एक होगी? नहीं हो सकती। जो हमारी कदीम तारीख है उसमें आपने देखा है बहुत सारी सिविलाइजेशंस आई, बहुत सारे फर्क एतवार रहे, और आज हम एक मॉडर्न दुनिया के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कहती सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ कोशिशें हो रही हैं। सो वी आर अ फ्रैक्चर्ड सोसाइटी। इस फ्रैक्चर सोसाइटी में तबकाती निज़ाम को ख़त्म करने के लिए हमें यही बात बताई गई है फेडरल मिनिस्टर साहब शफकत महमूद साहब ने, कई दफ़ा कहा है, और इस चीज़ पर मैं यकीन रखती हूँ कि तबकाती निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिशें हमने जारी रखनी हैं। पाकिस्तान में जो अमीर का बच्चा है वो कौन से किस किस्म के स्कूल में जाता है, और जो गरीब का बच्चा है वो बेचारा एक दो कमरे का भी स्कूल नहीं है उसके लिए। तो ये तबकाती निज़ाम तो हमें ख़त्म करना है, लेकिन क्या एक यकसा निसाब नाफिज करके ये ख़त्म हो सकता है कि नहीं? क्या एक नज़रियाती सोच नाफिज करके हमारी किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में ये निज़ाम ख़त्म हो सकता है कि नहीं? अगर आप तबकाती निज़ाम की बात करते हैं तो फिर आप बहुत सारी और चीज़ें भी तब्दील करें, बड़े बड़े घरों पर पाबंदियाँ लगाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर पाबंदियाँ लगाएं, और बड़े बड़े और जागीरदार हैं और जो वडेरे हैं और जो बहुत बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं और बहुत दूसरी दौलत के मालिक हैं, क्या उनको भी आप एक ही डब्बे में फिट करना चाहते हैं? इस तरह तो हो नहीं सकता। इकोनॉमिक सिस्टम जो पाकिस्तान का, इस तरह
मैं कहना चाहती हूँ ये है कि हर वक्त अपना जो निज़ाम तालीम तय करता है वो चार पांच बुनियादों पर करता है। एक तो ये कि जो बच्चा तालीमी निज़ाम में तारीख के बारे में पढ़ेगा वो सही तारीख उसको बताई जाएगी, अपने मुल्क की सही तारीख, उसका तबसरा। और सिर्फ 75 साल की बात नहीं है क्योंकि हम बड़ी कदीम सोसाइटी है, अभी तक तो जो तारीख की किताबें हैं हम सब जानते हैं कि ज़ियाउल हक आया तो उसने क्या किया, उससे पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने क्या किया। सो वी आर नॉट अग्रीड ऑन व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टू बी टॉट टू आवर स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अभी तक ये निसाब जो है यकसा कौमी निसाब, इस चीज़ में मैं समझती हूँ बहुत गौर करने की ज़रूरत है। क्या हम साइंस, टेक्नोलॉजी, राजी, मैथमेटिक्स और साइंस की जितनी सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या हम बच्चों को ये इजाज़त देते हैं अपने स्कूलों में कि आप सवाल पूछें और हर चीज़ पे सवाल पूछें? और आपका हक है सवाल पूछना, कि क्या हमने उनके जहनों को महदूद करने के इरादे किए गए? तो जो माशरा है अगर उसका अक्स हमने देखना है तो क्या हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि आपने तहम्मुल, बर्दाश्त, दूसरे की राय सुनने की हिम्मत, सब्र, फराश दिली, ये सारी चीज़ें हमने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की है? या कि हमने कहा है उनको कि बस एक ही नज़रिया है, एक ही तरीका है और इससे ना आपने दाएं देखना है ना बाएं? तो मैं समझती हूँ कि तालीम उसी चीज़ को की निशानदेही करती है, तालीमी निज़ाम में चुपड़ाया जाता है निसाब, कि हम इस अपने माशरे को और अपने मुल्क को, अपने कौम को, अपने लोगों को किस राह पे डालना चाहते हैं। डू वी वॉन्ट वन मोनोलिथिक सोसाइटी इन पाकिस्तान, ताकि जहाँ पे सब लोग एक ही तरह सोचें, एक ही तरह समझें और सवाल ना पूछा जाए? और क्या ये मुमकिन भी है? मैं ये तो सबसे बड़ा सवाल है। मैं जरा आगे बढ़ूंगा, नुमान की तरफ में जाऊंगा।